दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक की स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं, तो आज मेरे पास देख रहे होंगे पीछे का फिगर बदला हुआ, अब हाई कोर्ट से आ गया कौन सा, सुप्रीम कोर्ट। मैंने पहले ही कहा था जो पार्टी जीतेगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। आपको भी मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट में जाना है। अगले की मंशा है कि हर हालत में भर्ती रोक देना है, तो रोकेगा ही चाहे जहां जाना पड़े उसको। तो इसी शख्स में कहना चाहूंगा कि गलती करते हुए भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो, जानते हैं कि हम नहीं जीतेंगे फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं, उनके लिए बस एक लाइन कहना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए, खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए जनाब। दूसरों पे उंगली उठाने में तो हर शख्स माहिर है, दूसरों पर उंगली उठाने में हर शख्स माहिर है। तो देखिए, इस बेरोजगारी भरी दुनिया में और रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा है, आप उसमें रोजगार मिल रहा है तो रोकने पर लगे हुए हैं, तो ये कहां तक जो है बेनिफिट है। आज हम बात करने वाले हैं उन चीजों पर कि आप जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, दोनों तरफ से चला गया है। एक तरफ से कैविएट फाइल हुआ है, एक तरफ से SLP दायर हो गया। SLP क्या है, कैविएट क्या है, आज ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा भैया। भर्ती तो ये हर हालत में रुकने नहीं जा रही है, इसकी गारंटी मेरे से लिखवा दीजिए। कहीं कितना हूं आप जी जान लगा दिए। आगे देखिएगा, हो गया एक तरफ SLP हो गया। ये हमारे इंटरवेनर ग्रुप के सदस्य हैं जो कैविएट फाइल किए हैं, और SLP जो है फाइल किए हैं वो राजीव नाम के करके हैं, ये समझिए गेस्ट के वो नेता समझिए या जो समझिए उनको, उनके तरफ से ये SLP दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए कैविएट में होता क्या है। सबसे पहले आप कहेंगे कि सर कैविएट इंटरवेनर ग्रुप को दायर करने के क्या जरूरत था, कैविएट इन्होंने क्यों दायर किया। और जैसा कि लोगों को समझाया जा रहा है कि इंटरवेनर ग्रुप द्वारा ही पहले सुप्रीम कोर्ट में जाया गया है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, तो इंटरवेनर ग्रुप ने कैविएट इसलिए दाखिल किया है क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई न्यायालय में जाता है तो सबसे पहले SLP दायर हो गया, तो अगर कैविएट नहीं फाइल किया गया रहता तो उन्हें तुरंत जजमेंट दे दिया जाता या उनकी बातों को सुना नहीं जाता, समझा नहीं जाता। उनको लगता है कि इनके अधिकारों का शास्त्र, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हर व्यक्ति के अलग अलग सिंगल सिंगल नाम से पेटिशनर बनाया गया है गेस्ट वाले इंस्ट्रक्टर में, आपके पास वीडियो भी है, विरोध सबूत नहीं बोला जाता है, सभी लोग जानते हैं, हम बार बार कहते हैं कि कोई अनजान नहीं है इस चीजों से। तो अधिक लोगों का 700 लोगों का पैनल, 800 लोगों का जब पैनल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखेगा तो सोचेगा भाई वास्तव में इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तुरंत बिहार के भर्ती पे जो है स्टे लगा दीजिए। वो तुरंत लिख के देता है, नहीं भैया अभी आप भर्ती नहीं करा सकते, रुकिए पहले हम इनको सुनने दीजिए। फिर वही बात होता है जो हाईकोर्ट में हो रहा था कि जब कोई नहीं जानता था, जब इंटरवेनर ग्रुप एंट्री नहीं किया था तो क्या हुआ कि उस पर स्टे लगा दिया गया जानबूझ के, और स्टे लगा के उसको बहाली को डिटेल करने की सोच रहे थे और डेट पर डेट लिया जा रहा था। डेट पर डेट लेने का मतलब था कि इंटरवेनर ग्रुप को तोड़ना। इंटरवेनर ग्रुप कैसे टूटता, क्योंकि इनके पास फंड जुटाना बहुत ही मुश्किल है, इनको लड़ने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा, मान लीजिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा थोड़ा है कोर्ट के वकील आपसे पैसा लेगा, आपको चेहरा देख के थोड़े देखेगा कि हेमा मालिनी है कि आपके ट्रेनर है, आप देख के थोड़े लड़ लेगा, वकील है तो वो अपना फीस लेगा ही। तो वो जो है इनको फीस जुटाने में दिक्कत हो और डेट पे डेट लेके इनके वकील का पैसा न जुट पाए, लेकिन वहां भी इंटरवेनर ग्रुप ने बहुत अपनी ताकत के बल पे, अपने दोस्तों के एकजुटता के बल पे जो है उन्होंने केस जीता। अब इनको ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट में। कैविएट दाखिल करने का इनका एक ही मकसद था कि सामने वाला विपक्ष जब सुप्रीम कोर्ट में जाके SLP दायर करता है तो इनकी बातों को सुनने से पहले कैविएट जो व्यक्ति किया है उनको जो है पहले सुना जाएगा, डायरेक्ट स्टे अब नहीं लगाया जाएगा, इसलिए कैविएट लगाया गया। कैविएट लगाने का मतलब है कि आप कैविएट लगा के रखे हैं तो सामने वाला जब केस करेगा तो उनको बताया जाएगा कि नहीं व्यक्ति केस किया है, तो पहले ये कैविएट वाले सदस्य बताएंगे कि नहीं सर ये सभी मामला सही है और यहाँ यहाँ दिक्कत है और ये जानबूझ के ऐसा डिटेल कर रहे हैं, ये इंटरवेनर ग्रुप से कहा जाएगा। फिर जज साहब उनकी सुनेंगे, SLP दायर हुआ है कोर्ट केस में, अभी इनका SLP एक्सेप्ट नहीं हुआ है लेकिन एक्सेप्ट हो जाएगा, ये तो सही मतलब एक्सेप्ट हो ही जाएगा इनका, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोर्ट दोनों के सुनते हैं, कभी भी कोर्ट किसी के पक्ष में सिंगल पक्ष में नहीं जाती है, तो कोर्ट दोनों का सुनेगा। जब SLP एक्सेप्ट होगा कब, जब इनकी बात सुनी जाएगी तब जाके जज साहब दोनों को जो है सुनेंगे। SLP क्यों दायर होता है, SLP दायर होता है कब, जब ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो है सॉरी हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज किया जाता है कि नहीं, जो बिहार सरकार जो जजमेंट दी है कि नहीं, सभी के केस को खारिज कर दिया गया और सीआईटीएस जैसे इनका बहुत सारे मांग था, बेतुकी की मांग कहने में भी हमको बहुत खराब लगता है, तो उन सभी मांगों को जो है खारिज कर दिया गया। जानते थे कि उसमें जो है आरपीएल वाला एक मुद्दा आया था जिसमें जो है आरपीएल में जो भी सीआईटीएस के आरपीएल के तहत उन्हें जो सीआईटीएस के बराबर वैलिड कर दिया गया था, तो उससे कोई भी नाराज नहीं था, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ मनसा बस एक ही दिमाग में बैठा हुआ है कि किसी तरह भर्ती को रुकवा देना, ये कहां तक सही है। मैं आज अपने प्लेटफॉर्म से आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिहार का भविष्य जो है लोगों ने चौपट करने की सोच ली है। ना आईटीआई में टीचर रहेंगे, ना अच्छा पढ़ाई होंगे, ना अच्छे कौशल विद्यार्थी निकल पाएंगे, ना कुशल विद्यार्थी लोग निकल पाएंगे, जाएंगे किसी राज्य में फिर अपना जगहसाई होगा बिहार का। तो इन सब से बचने के लिए बिहार में अच्छे टीचर आए और भर्ती हो, लोगों को रोजगार भी मिले, इसके लिए आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपका रिजल्ट है कि मतलब क्या, अभी रिजल्ट तो आया नहीं, आपका ये कि सर रिजल्ट तो आया नहीं, लेकिन जो आपका कट ऑफ मार्क्स था अपने ट्रेड में उससे अगर पास है, तो ये ऐसा हम लोगों को आधिकारिक जानकारी मिला है, आधिकारिक जानकारी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जो लोग अपने ट्रेड में पास हैं उनका जो है जॉब मिलना एकदम आसानी से, खासकर डिग्री डिप्लोमा वाले मित्रों को कहेंगे, डिग्री डिप्लोमा वाले ऐसे छात्र जो सीआईटीएस किए हुए हैं, तो उनको जो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप पास है, अपने ट्रेड में क्वालिफाई है, तो आपकी नौकरी सर फिक्स है, आपकी नौकरी कोई नहीं काटने जा रहा है। अगर हम भर्ती हो जाए तो आप हमसे लिखवा लीजिए, भर्ती तो होगी ही, तो आपको जो है कोई छांटने वाला नहीं है, आके हमसे लिखवा लीजिए स्टाम्प पेपर पे, जो कहिए सो। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इंटरवेनर ग्रुप का लिंक देने जा रहा हूं, वहां से आप जुड़िए, अपने हक के लिए लड़िए, नहीं लड़िएगा जिंदगी भर यही चलेगा। जो बच्चे आज बिहार से जाके सीआईटीएस कर रहे हैं उनको कोई लाभ नहीं होने वाला आगे चल के, आपका तो जीवन चौपट कर ही दिया इन्होंने, और लोगों का भी चौपट करेंगे, और आगे चल के जो आपके विद्यार्थी सीटीआई कर रहे हैं वो भी चौपट कर देंगे, बाद में कपार पीटेंगे कौन क्षेत्र में हम लोग घुस गए और कहां आ गए। तो इन चीजों से बचने के लिए मैंने इंटरवेनर ग्रुप का लिख दिया, और भी जो डिग्री डिप्लोमा छात्र हैं अच्छे नंबर से पास हैं उनका जो है सिलेक्शन होना एकदम निश्चित है, ग्रुप बाय ग्रुप कट ऑफ भी बन जाएगा, जो पड़ेगा तो आप टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन बहुत कम नंबर पर जो है लोगों की नौकरी होने जा रही है। इसके आपका प्रमाण देखिए ना, प्रमाण आपको दिया गया था दिल्ली वाला इंस्ट्रक्टर में 39% बहुत कम नंबर हो, जबकि 11 सीट 12 सीट यहाँ तो डेढ़ सौ प्लस सीटें हैं, 120 सीटें हैं, तो क्यों नहीं होगा आपका, तो यहाँ जो है होने का बहुत चांस है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से कहेंगे कि अपने हक के लिए उस ग्रुप से जुड़िए, जो जरूरत है वो लड़िए। अब अंतिम लड़ाई है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अंतिम लड़ाई है, और अंतिम लड़ाई ही नहीं, पहले तो ये जान जाइए कि अंतिम लड़ाई से पहले ये आपको भी मैं बता दूं, सबसे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी गर्मी में एक महीने का छुट्टी चल रहा है, तो ये दोनों का जो है बात अभी नहीं सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक महीने की छुट्टी में जब हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट कह दिया है कि हाँ रिजल्ट आज आप सभी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, तो इसमें जो है प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं, भर्ती करा सकते हैं, ठीक है, आपको भी मालूम है। तो इन एक महीने में जब 4 तारीख को रिजल्ट आ जाता है, जो अभी 4 तारीख को चुनाव जो हुआ है, चुनाव का रिजल्ट आया, हमारा नहीं आ रहा, आपका नहीं आ रहा, क्योंकि देख रहे हैं बीटीएससी भी आना कहीं कर रही है रिजल्ट देने में और भर्ती का आना, तो 4 तारीख के बाद आप तैयार रहिए पटना चलने के लिए, और जुड़िएगा तभी तो चलिएगा, नहीं लड़िएगा अपने हक के लिए तो फिर कहीं जिंदगी में लड़ नहीं पाइएगा, और फिर प्राइवेट आईटीआई में पढ़ाते रह जाइएगा। अगर आपका रिजल्ट है तो लड़ने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि देखिए कोई यूट्यूबर आपको आकर कहता है कि दो दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 3 दिन में रिजल्ट आया, कभी अपने बातों पर अड़िग खड़ा नहीं रहता, आज कुछ तो कल कुछ। मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि नहीं, जो चुनाव का रिजल्ट आएगा उसी के बाद ही जो है स्कूल का रिजल्ट आएगा। लोगों को मेरी बात खराब भी लगती है, क्योंकि फैक्ट बोलता हूं मैं, फैक्ट बोलना खराब लगता है, क्योंकि रोज बुला के आपको कुछ ना कुछ बताते रहें, कुछ पहलाते फुसलाते रहें तो आपको अच्छा लगेगा सर। लेकिन आपको अगर हक के लिए लड़ना चाहते हैं तो नीचे ग्रुप में लिंक है, वहां से जुड़िए, और 4 तारीख के बाद हम लोग चलेंगे विभाग, जहां भी जाना पड़े, जिसके पास भी जाना पड़े, उनसे हम कहेंगे कि हाँ भैया सब तैयार है, तो आपको रिजल्ट देने में क्या दिक्कत है, ज्वाइनिंग कराने में क्या दिक्कत है। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग जो है एक महीने के अंदर जो है क्लियर कराने की कोशिश
किया जाएगा और लड़ने दीजिए। बहुत सारे ऐसे केस है बिहार में, बहुत सारे ऐसे भर्ती हुए हैं जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, वो लोग जॉब कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरह इसमें भी होने जा रहा है, इसलिए घबराए नहीं और अब जुड़िए सर। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बहुत से बहुत लोग जुड़े, जिससे जो है हम लोग जीत पाए और जॉब कर पाए, अपने बिहार के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए आपको जुड़ना होगा, आपको अपने हक के लिए अगर लड़ना है तो। बस यही कहना चाहेंगे, एसएलपी और कैबिनेट में यही अंतर है, टेंशन नहीं लेना है, यहाँ भी मात खाएंगे, चिंता की बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जानकारी के लिए। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।